जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा जी, वीडियो बनाने लगा हूँ। बहुत छोटी सी वीडियो होगी। एसी कंप्रेसर का बेल्ट कैसे चढ़ाया जाता है, बहुत ही आसान तरीका। ये उतार के रखा हुआ था सर्दियों में, और अभी मैं आप लोगों को इसका चढ़ाने का तरीका दिखाऊंगा। आप घर भी इसको इजीली चढ़ा सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपके पास छोटी मोटी टूल्स किट होने चाहिए, जिसमें कोई 10 नंबर 12 नंबर एडजस्टेबल स्क्रू ड्राइवर प्लायर वगैरह, ये छोटी मोटी चीज़ें रखनी चाहिए इंसान को अपने पास, ताकि छोटे मोटे काम वो खुद करें। तो इसका तरीका इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। अभी थोड़ा सा अंधेरा भी है, मैं इसको ज़रा लाइट देखता हूँ कि लाइट अगर ऑन होती है तो फिर। जी लाइट हो गई है। अच्छा जी, ये इसका बेल्ट है। R2BXR में बेल्ट नंबर जो इसका है वो 32 नंबर है, ठीक है जी। ये मित्सुबिशी का है, और ये इसका है SK32, ठीक है। ये बेल्ट नंबर इसका जो एसी कंप्रेसर के ऊपर चढ़ता है। ये अभी इसका तरीका यही है कि यहाँ से आप लोग इसको इन करें। इन करने के बाद इसको आप लोग पहले चढ़ाएं कंप्रेसर की पुली पे, यहाँ पे ये वो नज़र आ रही होगी। इसके ऊपर जैसी बेल्ट चढ़ जाएगा, फिर नीचे से आपने क्रैंक शाफ्ट की जो मेन पुली है उसके ऊपर चढ़ा देनी है। मैं अभी चढ़ा के दिखाता हूँ आपको। ये कंप्रेसर है, और ये इसकी क्रैंक शाफ्ट की मेन पुली इसके ऊपर आ गया, ठीक है जी। इसके बाद ये इसकी फ्री एडजस्टर पुली है कि आपने बेल्ट को चढ़ाने के बाद इसको कितनी, इसको आपने लूज कर देना है पूरा। ये फ्री पुली है, एडजस्टर की पुली है ये। इसके बाद आपने इसको ऐसे चढ़ा के और इसको आपने टाइट करते जाना है। जितना उस टाइट करते जाएंगे 12 नंबर इसको स्पैनर लगता है चाबी, और ये इसी तरह नीचे टाइट होती जाएगी, और इसकी बेल्ट की टेंशन जो है ना, फ्री मूवमेंट इसको हमने एंड तक लेके आना है, ताकि फ्री मूवमेंट जो है इसकी वो हाफ इंच तक तकरीबन यानी टाइट हो, और इतनी इसकी मूवमेंट हो कि बेल्ट भी ना टूटे, इतनी टाइट ना हो, और हल्की सी इसकी मूवमेंट हो, हाफ से पौना इंच तक इसकी फ्री मूवमेंट होनी चाहिए। तो फिर जाना ये आपका बेल्ट सही हो जाएगा। कंप्रेसर पे चढ़ के ये आपका एसी जब आप चलाएंगे तो ये ऑन करेगा, और ये कंप्रेसर को ड्राइव देगा इस बेल्ट के थ्रू, क्रैंक शाफ्ट और कंप्रेसर की पुली को ड्राइव देगा, और इस तरह कंप्रेसर आपका ऑन हो जाएगा। इसको मैं भी टाइट करता हूँ। इसको मैंने एडजस्टर जो है एडजस्टर पुली इसको मैंने टाइट कर दिया, और इसकी देखें अभी आपकी बेल्ट की टेंशन जो है वो इसके अंदर जो फ्री मूवमेंट होती है वो इतनी होनी चाहिए। देखें ये, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिएगा, गुजारिश है, ताकि मेरे चैनल से आपको हर तरह की वीडियो मिल सकती है, जिसमें गाड़ियों की ट्यूनिंग, थ्रॉटल कार्बोरेटर, थ्रॉटल बेल्ट की सेटिंग, सर्विसिंग, हत्ता के होम अप्लाइंसेस आइटम्स की मेंटेनेंस सर्विसिंग करता हूँ। घर के जितने आपके आइटम होते हैं, रनिंग आइटम्स, बिजली के हो गए, ओवन, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, कढ़ाई मशीन, UPS, बैटरी चार्जिंग, इस्त्री, वो तरह तरह की, वो अभी आजकल सीजन शुरू हो गया रूम कूलर्स का, उसकी सर्विसिंग वगैरह होगी, रजिस्टर फैन, तो आप मेरे चैनल से इजीली मिल सकती हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।